छठा अध्याय शुल्लक निगंठीय। निर्ग्रंथ शब्द जैन आगम और जैन दर्शन का बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रचलित शब्द है। आगमों में अनेक स्थानों पर भगवान महावीर को भी निगंठ नायपुत्त के नाम से संबोधित किया गया है। निगंठ यानी निर्ग्रंथ, ग्रंथियों रहित। ग्रंथियां दो प्रकार की, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों का त्याग करना ही निर्ग्रंथ कहलाता है। स्थूल यानी बाह्य परिग्रह, आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त वस्तुओं का संग्रह। सूक्ष्म यानी अंतर्ग्रंथी, राग, द्वेष, लोभ, अहंकार और किए हुए संग्रह परिग्रह के प्रति अपनी आसक्ति, मोह, मूर्छा। दोनों ही ग्रंथियां, दोनों ही गांठे नहीं रखनी चाहिए। जैसे शरीर की छोटी से छोटी गांठ भी खतरनाक, घातक होती है, सर्जन उसे निकाल देते हैं, वैसे ही अंतर की गांठों को भी निकालना चाहिए। भगवान ने उसे ही सम्यक धर्म कहा है। सुनिए। जावंत विद्यापुरी सा संवेत दुख संभवा, लुपन्ति बहु सुमूढ़ा संसार मीयणन्तये, समीख पंडिये तम्हा पास जाई पहे बहु, अपना सच में से जा, मेतिं भुए सुकपये माया पिया नुसा भाया, भज्जा पुताय ओरसा नालं ते मम ताणाय, लुपन्त स सकमुना एयमठं संपेहाय, पासे समीय दंसने छिंदगे हिम सिने हम च, न कंखे पुव संथवं गवासं मणि कुंडलं, वसो दास पोरुसं सवमेयं चैतानं, कामरुवी भविससी थावरं जंगमं चेव, धनं धनं उवखरं पच्चमानस कमेहिं, नालं दुखाऊ मोयने अज्जत्थं सवो सवं, दिसपाने पियाये नहने पानी नो पाने, भय वेराउवरए आयाणं नरयं दिस, नायाए जतनामवी दोगुंछी अपणु पाए, दिन्दं भुंजे जभोयनं इह में गेऊ मन्नंती, अपचखाय पावगं आयरियं विदितानं, सव दुखा विमुच्चई भणिंता अकरिंताय, बंध मुख पैनिनो वाया वीरिय मित्रेण, समासा सेंति अपयं न चित्ता कायए भासा, कौ विज्ञानु शासनं विसन्ना पावकं मेहिं, बाला पंडीय मानिनो जेके शरीरे सत्ता, वन्ने रुवेय संवसो मनसा काय वक्केणं, सवेते दुख संभवा आवन्ना दिह मद्धानं, संसारमी अनंतये तम्हा सव दिसंपस, अपमत्तो परिवये बहिया उढ़मादाय, नाव कंखे कयाईवी उवकम खयठाए, इमं देहं समुद्धरे विविच कमुणो हेवं, काल कंखी परिवये मायं पिंडस पाणस, कडम लधून भखये सन्निहिंच न कुवेजा, लेव मायाए संजये
पक्षिपतं समादायं निरवेखो परिवये एसना समियो लज्जु गामे अणियो चरे अपमतो पमते हिम पिंडवायं गवेसये एवं से उदाहु अनुत्तर नानी अनुत्तर दंसी अनुत्तर नान दंसन धरे अर्हानाय पुत्ते भगवं वेशालिये वियाहिये तिब्बे मी।